अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातुहु। प्यारे भाइयों, मैं हूं रहमान अली और आप देख रहे हैं रहमान अली ऑफिशियल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि जो भी शख्स इस अमल को करेगा वो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमतों के साए में रहेगा। प्यारे दोस्तों, आप देखिए कि इस अमल की कितनी बड़ी फजीलत है कि जो भी शख्स इस अमल को करेगा वो हमेशा अल्लाह की रहमतों के साए में होगा। तो प्यारे भाइयों, कौन सा वो अमल है बताते हैं हम वीडियो में आपको आगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सवाब की नियत से वीडियो को शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों, वो कौन सा अमल है हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इसकी शर्त यह है कि आपको पाक साफ़ होकर ये अमल करना है, पाक साफ़ होकर आपको ये अमल करना है। तो इस अमल को करने से पहले आपको शुरू में एक बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हो जो दरूद पाक आपको याद हो। उसके बाद आपको 20 बार या मुकत्तदिरो 20 बार पढ़ना है, या मुकत्तदिरो अल्लाह का ये पाक नाम है, इसको आप 20 बार पढ़ें। और जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था आखिर में आप वही दरूद पाक पढ़ें। और इस अमल को करने के बाद आप इस अमल को प्यारे दोस्तों फजर के वक्त करें। इंशाल्लाह अगर सुबह के टाइम में या फजर के टाइम इस अमल को करोगे तो आप पूरा दिन अल्लाह की रहमतों के साए में रहोगे। और रात में आप इस अमल को ईशा में करें। तो प्यारे भाइयों, इस अमल को आप रोज़ाना पाबंदी से करें, आप रोज़ाना इसका विर्द करें। और इसका जो वक्त है, वक्त इसके फजर का वक्त, ये काफ़ी अच्छा वक्त है। आप फजर के वक्त करें और शाम के टाइम इसको ईशा के वक्त करें। तो प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।